अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मलिका भी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे YouTube के लाखों रुपए कमा सकते हैं विदाउट अपनी वॉइस का यूज करते हुए, विदाउट अपनी वीडियो को यूज करते हुए। आपने वॉइस भी किसी और की यूज करनी है, वीडियो भी किसी और की यूज करनी है, और आप यहाँ पे कैसे कमा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा और ना ही आपको कोई स्ट्राइक आएगी। ये बिल्कुल लीगल काम है, आप लीगली तौर पे यहाँ पे मोनेटाइज चैनल कर सकते हैं और यहाँ से आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आइडिया देखें कि आपने किस चीज के ऊपर काम करना है। तो आप अगर YouTube पे आके सर्च करें होरोस्कोप होता है इल्मे नजूम, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि दो दिन में यहाँ पे 202K यहाँ पे व्यूज आ चुके, 200,000 व्यूज आ चुके हैं, यहाँ पे 100,000 व्यूज आ चुका है, उसके बाद 117,000 यहाँ पे व्यूज आ चुके हैं, उसके बाद 12,000 यहाँ पे व्यूज आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तीन टॉपिक्स बताने वाला हूँ, एक ही चीज के तीन टॉपिक्स होंगे, आप तीन में से जो मर्जी चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी हर रोज की वीडियो बन सकती है बिना कोई काम दिए हुए। तो आपने करना क्या है, होरोस्कोप को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। होरोस्कोप को कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कंपटीशन कितना है और सर्चेस कितनी है। इस चीज को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विद आईक्यू एक्सटेंशन का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड इंसेक्टर। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सर्चेस आपके पास आ रही है मंथली। तो मैं यहाँ पे होरोस्कोप से सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने होरोस्कोप को यहाँ पे सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि 388,235 व्यूज एक मंथ के यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन देख सकते हैं कि लो है। उसके बाद अगर आप वीकली वीडियोस बनाना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मंथली सर्चेस भी काफी ज्यादा है, और अगर आप देखें तो कंपटीशन वेरी लो है। और अगर आप देखें कि होरोस्कोप फॉर टुडे, मतलब अगर आप रोज रोज वीडियो बनाते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन वो बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, अगर इसकी बजाय मैं आपको यहाँ पे कोई भी और चीज सर्च करके दिखा दूँ, जिस तरह के मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू क्रिएट जीमेल, तो मैं इसको अगर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज आप देख सकते हैं बहुत कम है, मीडियम है, उसके बाद व्यूज दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप होरोस्कोप पे चेक करें कंपटीशन बहुत कम है और अर्निंग भी वहाँ पे ज्यादा है। अब आपने इसके ऊपर वीडियोस कैसे बनाने और आपने कंटेंट कैसे लेना है, तो इसके लिए आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है ttsfree.com। ये वेबसाइट आपने सर्च करनी है। इस वेबसाइट के जरिए आप अपनी वॉइस बना सकते हैं, बिना बोले आपने अपनी वॉइस बनानी है, आपने बिना मेहनत किए हुए अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, वो आप किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपने पहले साइन अप करना है इस वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला एक बॉक्स आ चुका है, तो आपने इसको फिल कर लेना है, यूजर नेम दे देना है, ईमेल दे देना है, पासवर्ड दे देना है, और पासवर्ड को री इंटर आपने कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना, तो आपको यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, तो ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देके आई एग्री पे क्लिक करना है, उसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये अकाउंट आपका बन चुका है। आपने फिलहाल इसको यहाँ पे साइड पे कर देना है और आपने एक और वेबसाइट सर्च करनी है जहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। सर्चिंग में आ जाना है। सर्चिंग में आने के बाद आप यहाँ पे लिखें डेली होरोस्कोप। डेली होरोस्कोप लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सर्च कर दें। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप इनमें से कोई भी वेबसाइट चूज कर सकते हैं। जिस तरह के मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो कि इंडिया की वेबसाइट है, ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करने की ट्राई नहीं कर रहा, और ना ही हम यहाँ पे किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करें। जिस तरह की आज आप डेट देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंटेंट पड़ा है 9 अक्टूबर का पड़ा है, 10 का पड़ा है, 11 का पड़ा है, और 12 का पड़ा है। उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पे 3 अक्टूबर मतलब 12 अक्टूबर तक का यहाँ पे कंटेंट पड़ा हुआ है, मतलब आप एक दिन में तीन वीडियो बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी। हर वीडियो पे आपके यहाँ पे कुछ मिनट लगेंगे या फिर मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा एक वीडियो बनाने पे, और आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जिस तरह क्या है 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम 11 अक्टूबर पे जाते हैं कि हम कल की वीडियो बनाएं, तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लिया। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे रियल वर्क बताऊंगा, रियल कंटेंट बताऊंगा, जिससे आप रियल में अर्न कर सकते हो और आपका चैनल भी मोनेटाइज लाजमी तौर पे हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब इस चीज को अलाउ करता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए हम वॉइस को जनरेट कर रहे हैं और अपने कंटेंट को चेंज भी करना मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह के आप नीचे आ जाएं, तो नीचे आपने ये एक हेडिंग दे देनी है अपनी वीडियो में। हेडिंग देने के बाद आपने 11 अक्टूबर 2022 लिखने के बाद आपने ये वाला जो कंटेंट है इसको आपने कॉपी कर लिया, जिस तरह के मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने एक और वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है
spinbot.com, तो आपने इसको सर्च कर लिया। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक स्पिन बोट का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराफ्रेजिंग टूल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद जो भी अगर टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक पैराफ्रेज, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो गया आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन इसकी इंग्लिश थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब आपने इसको कॉपी कर लेनी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं फिर से उसी वेबसाइट पे आता हूँ। जिस तरह की आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक हेडिंग होगी, उसके बाद ये आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसको हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जितने भी हैं इसको आपने फिर से हेडिंग बना लेना है, और ये आपका टेक्स्ट फिर से आपने वहाँ पे चेंज कर लेना है। इसी तरह जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट पड़ा है 12 अक्टूबर के लिहाज से, वो सारा सारा आपने इसी तरह इस टूल पे आके स्पिन बोर्ड पे आके आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ये वर्डिंग हमने कॉपी की थी, इसको आपने कॉपी करके आपने ये हमने वेबसाइट एक ओपन की थी etsfree.com, इसके ऊपर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटर योर टेक्स्ट, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब मैं इंग्लिश में इसको लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखो इंग्लिश यूएस मेल, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट था वो उसको वॉइस में चेंज कर देगा, और ऐसी वॉइस में चेंज करेगा जिसे आप यूट्यूब पे यूज कर सकते हैं। ये हमें अलाउ करते हैं कि आप हमारी वॉइस को यूट्यूब पे यूज कर सकते हैं, और ये चीज मोनोटाइज भी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको चला के दिखा देता हूँ, जिस तरह की आप जिस तरह देख सकती हैं। You see plainly now, Aries. What was intended to work out, worked out despite everything. तो मैंने इसके डाउनलोड पे क्लिक करके मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। इसके बाद जितना भी आपके पास यहाँ पे कंटेंट पड़ा था वो आपने इसी तरह आपने इसको वॉइस में चेंज कर लेना है। वॉइस में चेंज करने के बाद अब हमने वीडियो कैसे बनाना, तो वीडियो बनाने के लिए आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है होरोस्कोप। तो व्यूअर यहाँ पे सर्चिंग में आने के बाद मैंने लिखा है होरोस्कोप PNG। तो मेरे पास ये काफी सारी तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि सारे के सारे राउंड फिगर में हैं। तो मैंने इनमें से इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड की तस्वीर चाहिए जो कि हमें कॉपीराइट फ्री चाहिए, ताकि हमें कोई भी इशू ना हो। तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है freepik.com। तो जैसे आप इस पे आएंगे तो आपके पास इस तरह से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आपने तस्वीर डाउनलोड कर लेनी है जिसका कलर ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, जो कि एक अच्छी लुक दे रहा हो, जिस तरह की ये हमारे पास है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी तस्वीर है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 10.3 MB की ये एक तस्वीर है जो कि फुल हाई रेजोल्यूशन में है। तो मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हमारा यहाँ से काम खत्म हो चुका है। अब हमारा रह चुका है एडिटिंग का काम। एडिटिंग हमने किस तरह करनी है, तो एडिटिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के मैं यहाँ पे कैमटेसिया स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे काइनमास्टर यूज़ कर लें, या फिर किसी और में आपको अच्छी एडिटिंग आती है तो वो आप कर लें। उसके बाद आपने सिंपली आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर को इम्पोर्ट कर लेना है, जिस तरह की मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करके दिखा देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ से आइडिया लेना है, उसके बाद आपने खुद चेक करना है कि आप इसको किस तरह अरेंज कर सकते हैं। व्यूवर यहाँ पे जो हमने तस्वीर डाउनलोड की थी वो यहाँ पे इसको कुछ प्रॉब्लम हो चुका है कि यहाँ पे डाउनलोड नहीं होती, ठीक है। तो हम अपनी गैलरी में से कोई भी एक तस्वीर ले लेते हैं जो कि ब्लू कलर की हो या कोई भी इस तरह की, जिस तरह की मैं इस तस्वीर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इसको बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको फुल साइज दे दिया है। उसके बाद जितना आपका साइज बनता है, फॉर एग्जाम्पल जितनी आपकी ऑडियो, उसके हिसाब से आप इसको सेट करें। तो मैं ऑडियो यहाँ पे लेके आता हूँ जो कि हमने वहाँ से डाउनलोड की थी, जिस तरह के मैं यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ये वाली ऑडियो थी हमारे पास, नहीं ये वाली थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ऑडियो आ चुकी है जो कि हमने वहाँ से क्रिएट की थी, उसको हमने ऑडियो भी यहाँ पे ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑडियो हमारे पास आई थिंक 30 सेकंड की है। तो मैं अब तस्वीर को भी छोटा कर लेता हूँ, जिस तरह के मैं इसके बराबर का कर लेता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑडियो लगा देते हैं, जिस तरह के हमारे पास ऑडियो आ चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास आ चुका है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड को हमने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि यूजर इस पे रुका रहे, इस वीडियो को देखता रहे। तो हमने वो किस तरह बनाना है, तो उसके लिए जो हमने एक लोगो हमने वहाँ पे डाउनलोड किया था, जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिस तरह के ये वाला लोगो था। अगर आप देखें तो इसका बैकग्राउंड अभी तक रिमूव नहीं हुआ, बैकग्राउंड पे भी तस्वीर आ रही है। तो इसको भी रिमूव करने के लिए आपने फिर से गूगल पे आ जाना है।
गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड, क्योंकि हमने उसका टोटली जो बैकग्राउंड है वो हमने रिमूव करना है। उसके लिए आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है और वो वाली इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इस तरह के मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। जिस तरह के मैंने ये वाली यहाँ पे पिक्चर को ऐड किया है, ये खुद ब खुद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, उसके बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, तो हमारी जो तस्वीर है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब दोबारा से हम सॉफ्टवेयर में आए, सॉफ्टवेयर में आने के बाद मैं इस तस्वीर को अब यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास तस्वीर आ चुकी है, इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इम्पोर्ट हो चुकी है, उसके बाद मैं इसको भी ऊपर लगा देता हूँ। जिस तरह की आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भी ऊपर लगा दिया है। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लुक अच्छी लगे इसकी। अब हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाना है। अगर आप काइनमास्टर में कर रहे हैं तो आपको भी वहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा जिसके जरिए आप इसको एनिमेशन में चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल प्रॉपर्टीज में और इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। ऐड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे 360 आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है इस तरह, और उसके बाद आपने इसको चला के देखना है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चलना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद ये एक अच्छी लुक देना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप बैकग्राउंड पे कोई भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन की आप कोई भी ले सकते हैं जो कि एक अच्छी लुक दे रही हो। जिस तरह की मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन की एक वीडियो पड़ी है, वो भी मैं इसके साथ अटैच करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, इसको मैं इम्पोर्ट करता हूँ एक और वीडियो, जिस तरह की ये वाली वीडियो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने ग्रीन स्क्रीन की एक वीडियो ली है, ये आपके पास यूट्यूब पे आपको ईजिली मिल जाएगी, तो आपने इसको भी यहाँ पे ले आना है, जिस तरह मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल प्रॉपर्टीज में, उसके बाद नीचे आता हूँ रिमूव, और इसका कलर यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ ग्रीन वाला। जिस तरह कि मैंने ग्रीन वाला यहाँ पे कलर रिमूव किया है, उसके बाद मैं अब यहाँ पे आपको चला के दिखा देता हूँ। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छी लुक दे रही है। उसके बाद अगर आप इसको पूरी वीडियो में ऐसे चलाते हैं तो आपकी वीडियो बिल्कुल मोनोटाइज होगी और आपकी ऑडियो भी मोनोटाइज हो जाएगी। ये हमारे पास ऑडियो आ चुकी है, ऑडियो हमने सेट कर लिया है, उसके बाद बैकग्राउंड हमने लगा दिया है, तो ये टोटल हमारे पास वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको रेंडर करना है। जैसे आप रेंडर करेंगे, रेंडर करने के बाद आप इसको सिंपली यूट्यूब पे अपलोड कर दें, आपकी वीडियो यहाँ पे 100% मोनोटाइज हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई एनुअल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।